कहानी की शुरुआत होती है डेन मॉर्गन नाम के आदमी को दिखाते हुए, जो हमारी मूवी का मेन हीरो भी है। डेन एक शोरूम में काम करता है और उसके कॉलीग्स उससे काफी खुश रहते हैं, क्योंकि वो अपनी बातों से कन्विंस करके कस्टमर्स को लैम्बोर्गिनी गाड़ी सेल करने में एक्सपर्ट है। आज डेन की एनिवर्सरी है, इसलिए वो गुलाब का गुलदस्ता लेकर घर पहुंचता है और अपनी वाइफ को एनिवर्सरी विश करता है। डेन अपनी बीवी, बेटी नीना, बेटे काइल और एक छोटे बेबी के साथ इस घर में रहता है। डेन नीना और काइल से कहता है आज के लिए वो दोनों अपने छोटे भाई का ध्यान रखें, क्योंकि डेन अपनी बीवी जेसिका के साथ बाहर जाने वाला था। पर काइल कहता है कि उसने अपने फादर की वजह से गेमिंग छोड़ दी, पर आज वो अपने दोस्त के घर जाने वाला है, इसलिए छोटे भाई की जिम्मेदारी नीना संभालती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दोनों ही बच्चे अपने डैड से काफी कुछ छुपाते हैं, जैसे नीना ने अपने बॉयफ्रेंड की वजह से रिपोर्टिंग छोड़ दी थी, जबकि काइल एक जाना माना गेमर है और उसके फादर इस बात से अनजान है। वही डेन और जेसिका एक पार्क में जाकर खूब एंजॉय करते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करके एक दूसरे को किस भी करते हैं, पर तभी कुछ शरारती लड़के इनके पिक्चर्स निकाल लेते हैं जिन्हें डेन डिलीट करने को कहता है, लेकिन ये लड़के ऐसा नहीं करते, उल्टा उन फोटोज को सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। साथ ही एक लड़का डेन के ऊपर अपनी ड्रिंक डालकर उसकी इंसल्ट करता है, पर डेन भी कुछ नहीं कहता और अपने घर चला जाता है। हालांकि इस बात का उसे काफी बुरा लगा था। अगले दिन जेसिका अपनी बॉक्सिंग क्लास में प्रैक्टिस कर रही थी, जहां उसकी मुलाकात ग्वेन नाम की लड़की से हुई। दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और ग्वेन बताती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से काफी परेशान है, जबकि जेस बताती है कि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, खासकर अपने पति डेन से, लेकिन वो फंस भी चुकी है क्योंकि उसे ट्रेवलिंग पसंद है, जबकि डेन उसे कहीं बाहर नहीं ले जाता है। पर अब जेसिका ने भी अपनी सिचुएशन से समझौता कर लिया है। इधर डेन अपने छोटे बेबी के साथ मॉल में शॉपिंग करने के लिए पहुंचता है, जहां पर एक आदमी उस पर हमला कर देता है, पर डेन अपने बच्चे और खुद को बचाने के लिए बहादुरी से इस आदमी का सामना करता है, जैसे वो एक मार्शल आर्ट प्लेयर और बहादुर रेसलर हो। घर पहुंचते ही डेन एक सीक्रेट जगह से हथियार और कुछ पैसे बैग में रखता है, साथ ही सभी फैमिली मेंबर्स के पासपोर्ट भी चेक करता है, जो अब आउटडेटेड यानी कि एक्सपायर हो चुके थे। डेन यहाँ पर अपने दोस्त को फोन करके उसकी और उसकी फैमिली की सभी आईडीज फोटोज मिटाने के लिए कहता है, क्योंकि मैक को पता चल गया कि वो कहाँ है। असल में डेन कोई आदमी नहीं है, उसकी हकीकत हमें थोड़ी देर बाद मालूम पड़ेगी। फिलहाल हम डेन को देखते हैं जो सारा सामान पैक करके चार्ट देखता है और पता करता है कि उसके बच्चे फिलहाल कहाँ होंगे। सबसे पहले डेन नीना की क्लास में पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि नीना ने 3 महीने पहले ही रिपोर्टिंग छोड़ दी है और फिलहाल वो दोस्तों के साथ क्लास छोड़कर टाइम पास कर रही है, इसलिए डेन उसे डांटता है और साथ ही पूछता है कि काइल कहाँ है। नीना डेन को काइल के बारे में बता देती है और डेन उसे भी रंगे हाथों पकड़कर ये जान जाता है कि काइल भी उससे झूठ बोल रहा था, लेकिन फिलहाल उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए वो अपने बच्चों के साथ जेसिका के पास पहुंचता है, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट है और फिलहाल अपना काम कर रही है। डेन उसे बताता है कि हम एक फैमिली ट्रिप के लिए वेगास जा रहा है। पहले तो जेसिका को डेन की बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि आज से पहले वो अपने परिवार को कहीं भी घुमाने नहीं ले गया था, लेकिन फिर वो डेन पर विश्वास करती है और खुशी खुशी उसके साथ चली जाती है। इसके बाद डेन अपने पूरे परिवार के साथ निकल जाता है, तभी उसे कुछ गुंडे नजर आते हैं जो उनका पीछा कर रहे थे। डेन बड़ी चालाकी से गाड़ी घुमाता है, लेकिन कुछ देर बाद गुंडे फिर से उसके पीछे आ जाते हैं। डेन समझ जाता है कि जरूर गाड़ी में कोई ट्रैकर लगा है, इसलिए वो गाड़ी गैराज की तरफ मोड़ता और ट्रैकर को निकाल कर अपने दोस्त की गाड़ी में लगा देता है, जिस वजह से गुंडे भटक जाते हैं और डेन सेफली यहाँ से दूर निकल जाता है। लेकिन रास्ते में डेन के सभी घर वाले ऑनलाइन पोस्ट कर रहे थे, जो देख कर डेन समझ जाता है कि मैक ने उसे ऐसे ही ढूंढा होगा, इसलिए वो सभी के फोन लेकर उन्हें पुल के नीचे फेंक देता है, जिसे देख कर घर वाले काफी शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि डेन ये सब क्यों कर रहा था, क्योंकि ये सब डेन के पास से अनजान थे। असल में डेन पहले गवर्नमेंट एजेंट था और खुफिया मिशंस किया करता था। वो मैक नाम के बंदे के लिए काम करता था, जो पैसे लेकर डेन से गलत काम करवाता था, इसलिए डेन ने उस लाइफ को छोड़ दिया और अपनी आइडेंटिटी छुपाकर वेगास में रह रहा था। इधर डेन के घर पर मैक और उसके गुंडे पहुंच जाते हैं और मैक डेन की फैमिली फोटो को तोड़ देता है। वही मैक का ट्रैकर उसे बताता है कि वो सोशल मीडिया के जरिए डेन का पता लगा लेगा। यहाँ डेन एक शॉप में मैप खरीदने के लिए जाता है और पैसे देकर मैप खरीद लेता है, साथ ही एक लॉज में 2 रूम्स भी ले लेता है। डेन जब बाहर जाता है तो देखता है कि एक लड़की काइल के साथ फोटो क्लिक कर रही है, क्योंकि वो उसकी फैन थी। डेन उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम सोशल मीडिया पर अपलोड करोगे इसे, वो कहती है हाँ। ये सुनते ही डेन अपनी फैमिली से झूठ कहता है कि यहाँ पर रूम्स नहीं है, इसलिए वो कहीं और जा रहे हैं। रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए सभी कान में एयरफोन्स लगाकर गाड़ी में ही सो जाते हैं, सिवाय डेन के। तभी डेन की नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जो उस पर नजर बनाए हुए थे, साथ ही अब ये लोग गाड़ियों में उसका पीछा भी कर रहे थे। डेन भी इन सबको एक एक कर पास लाता है और इनका काम तमाम कर देता है। अगली सुबह डेन अपनी बेटी के बोर्डिंग स्कूल पहुंच जाता है, जहां नीना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि वो यहीं पे रहता था। हालांकि जेसिका उसे कहती है कि हो सकता है कि वो यहां से शिफ्ट हो गया हो, लेकिन नीना फिर भी जाने की जिद करती है।
लेकिन उसके जाने से पहले ये सब स्कूल कैंपस पे घूमते हैं, जहाँ डेन की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो काफी देर से उसे घूर रहा था। डेन बड़ी चालाकी से उसे एक रूम में लेकर आता है, पर यहाँ ये कोई गुंडा नहीं बल्कि एक आम आदमी था। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर एक असली गुंडा आकर डेन पर हमला कर देता है, जिसे डेन अच्छे से मारकर वापस अपनी फैमिली के पास जाता है। इधर नीना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आती है और ये देखकर दुखी हो जाती है कि उसके साथ तो पहले से ही कोई लड़की रूम में है, यानी वो उसे चीट कर रहा था। नीना रोती हुई गाड़ी में जाती है, जहाँ डैन उसे रोता हुआ देख के कहता है कि मैंने तुम्हें एक मूव सिखाया था जिसमें सामने वाले को चोट पहुँचाए बिना दर्द दिया जा सकता है। अपने पिता की बात सुनकर नीना वापस अपने बॉयफ्रेंड के रूम में जाती है और वही मूव आजमाती है, साथ ही उसे कुछ गालियां भी देती है, और ऐसा करके उसे काफी अच्छा फील हो रहा था। वो खुशी खुशी अपनी फैमिली के पास आती है और जेसिका डैन से कहती है कि तुम वाकई बहुत अच्छे हो। इसके बाद पूरी फैमिली वेगास के एक बड़े से होटल में पहुंचती है, जहाँ डैन बच्चों को रूम में स्टे करने की कहकर जेसिका के साथ कैसीनो में जाता है। असल में डैन के दोस्त ने उसकी फैमिली के पासपोर्ट बना दिए थे और अब डैन अपनी बीवी को सब सच बताने वाला था कि वो क्या है और आगे क्या होने वाला है। लेकिन जेस और डैन के निकलते ही कायल और नीना भी अपने छोटे भाई के साथ पास के ही गेमिंग इवेंट में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक गेमिंग कॉम्पिटिशन होने वाला था और कायल इसमें पार्टिसिपेट करता है। इधर डैन जेसिका के साथ डेट एंजॉय करता है और तभी एक वेटर उनसे फ्रेंच में बात करता है, जिसके जवाब में डैन भी फ्रेंच में बोलता है। जेसिका ये देखकर हैरान रह जाती है और डैन को कुछ और फ्रेंच भाषा में बोलने के लिए कहती है, जिसके बाद डैन फ्रेंच में अपनी सच्चाई बता देता है, लेकिन जेसिका कुछ नहीं समझ पाती। इसके बाद दोनों अपने रूम में जाते हैं, जहाँ डैन पर बाहर से फायरिंग होती है, तो वहीं जेसिका को उसी के कमरे में गुंडा पकड़ लेता है। वो डैन से कहता है कि पहले तुम्हारी पत्नी मारेगी, फिर गेमिंग जोन में बच्चे, लेकिन डैन कहता है कोई नहीं मारेगा और वो एक ही वार में इस गुंडे का काम भी तमाम कर देता है। इसके बाद दोनों गेमिंग जोन में पहुंच जाते हैं और ये देखकर खुश हो जाते हैं कि बच्चे सही सलामत हैं। डैन अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकलता है और उन्हें बताता है कि पहले वो एक किलर हुआ करता था, पर उसके बच्चे हंसने लगते हैं कि तभी कुछ गुंडे इन पर फायरिंग कर देते हैं, जिनसे बचाते हुए डैन अपने परिवार को छुपाकर उस गुंडे को भी मार डालता है। इसके बाद ये सब एक सस्ते से होटल में आते हैं और डैन अपनी सच्चाई अपनी फैमिली को बताता है कि छोटी सी उम्र में उसकी माँ गुजर गई, जिसके बाद उसने आर्मी को ज्वाइन किया, लेकिन फिर उसकी मुलाकात मैक नाम के आदमी से हुई और वो उसी के साथ मिलकर काम करने लगा, क्योंकि उसे लगा था कि मैक गलत आदमियों को मरवाता था। लेकिन बाद में डैन को पता चला कि मैक तो कॉन्ट्रैक्ट लेकर अच्छे लोगों को मरवाता था, इसलिए उसने मैक का साथ छोड़ दिया, पर अब वो 40 लोगों को मार चुका है और मैक के गुंडे मुझे ढूंढ रहे हैं। इसलिए डैन ने अपनी फैमिली के लिए पासपोर्ट बनवाया ताकि वो ये देश छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पे जा सके, लेकिन डैन की सच्चाई सुनकर नीना, कायल और इवन जेसिका भी उस पर विश्वास नहीं करती और सभी उसकी किसी भी बात को मानने से इनकार करके यहाँ से चले जाते हैं। जेसिका गोयन को फोन कर उसे और उसके परिवार को यहाँ से निकलने के लिए कहती है और ये सब डैन भी सुन लेता है। अगली सुबह होते ही पूरा परिवार डैन को अकेला छोड़कर चला जाता है। जेसिका गोयन से मिलती है, जो उसे और उसके बच्चों को लेने के लिए प्राइवेट जेट लेकर आई थी। जेसिका बताती है उसके और उसके पति के बीच झगड़ा हुआ है। वही ग्वेन बताती है कि मैं यही थी इसलिए मैं आ गई, मेरे भी एक्स के साथ कुछ ऐसे ही हुआ है, वो मुझे छोड़कर किसी और लड़की के पास चला गया, तब मैं उस लड़की से मिली ये जानने के लिए उसमें ऐसी क्या खासियत है जो उसने मुझे छोड़ दिया। फाइनली मैं उस लड़की से मिली और अब वो मेरे जाल में फंस चुकी है। जेसिका समझ जाती है कि ग्वेन उसी की बात कर रही है। तभी यहाँ पर मैक आता है, यानी ये सब मैक के जाल में थे। इसके बाद मैक जेन को फोन लगाता है और हमें पता चलता है कि जेन का रियल नेम शॉन है। मैक उसे कहता है कि तुम्हारी पूरी फैमिली हमारे अंडर में है, अगर उनकी सलामती चाहते हो तो आ जाओ। जेन अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, इसलिए उन्हें बचाने के लिए वो मैक के बताए एड्रेस पर चला जाता है, जहाँ मैक उससे पूछता है कि तुम कैसे हो। इस पर डैन कहता है मैं ठीक हूँ डैड। ये सुनकर डैन का परिवार चौंक जाता है और मैक बताता है कि हाँ वो उनका दादा है। इसके बाद मैक डैन से कहता है कि तुमने अपने पीछे आए सभी लोग को मार डाला, पर अब अगर तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो वापस से मेरे साथ काम करो। डैन भी अपनी फैमिली के लिए मान जाता है और उसके पूरे परिवार को छोड़ दिया जाता है। पर बाहर जाते ही नीना और कायल कहते हैं कि हमारे डैड वर्ल्ड के बेस्ट डैड है, हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तभी जेसिका बताती है कि बेबी ने पॉटी कर ली है और वो डायपर मैक के आदमी के मुंह पर मार कर उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देती है। इधर ग्वान जेन से लिपट जाती है और उसे कहती है कि तुम सिर्फ मेरे हो। जेन भी उससे प्यार करने का नाटक करता है और मौका मिलते ही उसे बेहोश भी कर देता है। इतने में जेसिका और बच्चे भी यहाँ पहुँच जाते हैं। डैन कहता है कि अब से वो कोई झूठ नहीं बोलेगा, एक अच्छा पति और पिता बन के दिखाएगा। यहाँ कायल के हाथ एक ड्रोन लगता है, वही मैक को भी पता लग गया था कि उसका एक आदमी गायब है। इधर डैन कायल से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम अपने ड्रोन से देखकर मुझे गुंडों की लोकेशन बताते रहो। इसके बाद पूरी फैमिली गुंडों का खात्मा करने में जुट जाती है। पहले तो लिफ्ट में धमाका होता है और फिर डैन एक एक करके सभी गुंडों को मार कर नीचे फेंकने लगता है। इधर जेसिका बच्चों के साथ छत पर थी, वहीं ग्वेन को भी होश आ गया था, वो लिफ्ट से ऊपर पहुंचती और जेसिका को खूब मारती है। इधर नीचे मैक ड्रोन को शूट कर देता है और फिर मैक और ड्रोन के बीच फाइट होती है।
वही छत पर जेसिका एक लकड़ी के टुकड़े से ग्वेन को हमेशा के लिए सुला देती है। यहाँ मैक जेन को मारने ही वाला था कि तभी जेसिका बच्चों के साथ यहाँ पहुँच जाती है और नीना मैक को बातों में उलझाती है। तभी जेन मैक को डंडा मारकर बेहोश कर देता है। अब जेन अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ से निकल जाता है और अब यहाँ पुलिस भी पहुँच चुकी थी। इसके बाद हम कहानी सीधा 6 महीने बाद की देखते हैं, जब मैक पुलिस की हिरासत में था और इस न्यूज को कवर किया था नीना ने। जेन लोगों को सेफ्टी की ट्रेनिंग देता है, वहीं जेसिका स्कूल में बच्चों को ट्रेनिंग देती है, जबकि कायल को अब गेमिंग की परमिशन मिल चुकी है और यहाँ कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मूवी? पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।